इसके पहले आपने देखा जो बाबा जी के यहाँ आए थे पांडे जी के यहाँ रतनसीपुर में, अब लोग गांव में बताएंगे अरे कहा बस वहाँ चले जाओ, इतना रास्ता ये खरबल खलबल खलबल, अरे इससे लेंगे थोड़ा डमरीकरण हो जाए, चिकना हो जाए। अब हम 3-4 किलोमीटर घूम रहे हैं, एक लड़के को मिला बेचारा, जब मिले हैं बच्चा वो घामे में मिलत है, जौन बता रहे हो आलू खोद खोद खाते, वो कौन जगह है? वो उधर है आगे है। तो कहाँ? लेकिन गाड़ी यही पिठार पर। अच्छा अच्छा तो गाड़ी ये साइड में लगा लो बाबा। हाँ 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 देखिए हाँ बच्चा जरा बता दो, बड़ा काम बन जाए। तुम्हार नाम इंटरनेट में हम डाल देबे, तुम्हार का नाम है? शुभम। शुभम खाली शुभम लिखा था? हाँ, अच्छा शुभम यादव, ठीक है। तो यहाँ कोनो झोला रखा रही, गाड़ी की चाबी निकाल रही बस? या कोनो डर तो है नहीं? ठीक चलो। कहाँ कहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर रास्ता खराब, ये बेचारा लड़का मिल गया तो इसने कहा कि नहीं बाबा चलो देखते हैं, चल के इनको ढूंढना पड़ो आए। हाँ हाँ दिक्कत पड़ती है। इस शुभम यादव को हम 10 रुपये देंगे, बेचारा इतना हम लोगों के लिए हर्जा कर रहा है। देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसा कैसा रास्ता है। ये बंदर जल्दी को, मैं कितने बाबा लोगों से मैंने कहा, चाहे वो श्याम बाबा हों चाहे निपोरे बाबा हों, सबको मैंने कहा जब तुम्हारे इलाके में बंदर है तो क्यों नहीं अपने इलाके में उनको परकाते हो, जब रोज़ कर रहे हो तो उनको एक स्थान पर दे दो, वहाँ काली जी के मंदिर में रोज आना देना शुरू कर दो, बंदरों का एक अड्डा हो जाए, तमाम पब्लिक वहाँ आ जाएगी है। अरे भाई दुनिया का हमको ये बताना है कि पत्थर के हनुमान जी के नाम पर तुम भंडारा करते हो, खुद खा लेते खाते हो और बंदर से कोई मतलब नहीं, जबकि बंदर जो है वो प्रारूप है हनुमान जी का, उन्हीं का अंशज वंशज है। सारा दिन तो हमारा इसी में निकल जाएगा, बोए हुए खेत में चलो मरो। वैसे रेवड़ी के जंगल में रहत हैं हमेशा, कहाँ फंस गया बेकार में, जहाँ पानी रहत है घाम रहत है ना, हुए मिली हैं आजकल ये बगिया के अंदर, पता नहीं मिले ना मिले, गर्मी में तो ही मैं बर्दाक रहत हुई है। कहाँ गाड़ी खड़ी है देखो, कहाँ आ गए, ना कोई मेड़ है ना कोई रास्ता है। हम ये रुके? हाँ 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 ये गांव का लड़का है वहीं का कहीं का है। अब इसको इनमें ये बड़ी दिक्कत है, लोग इनको एक जगह पर, हमने राम सिंह से कहा कि अपने मंदिर में बंदरों को रोज दाना डालो आने लगेंगे ना, श्याम बाबा से कहा ना, कहीं फुर्सतगंज वाले तो खैर कोई बातें नहीं, वहाँ तो अड्डे नहीं बंदरों का, कोई सेवा के लिए तैयार नहीं है ना 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 ना। अब आज जहाँ भंडारा हो रहा है वो हनुमान जी की मूर्त केवल रखी है खुले में, बस खाली बाबा लोग भंडारा बाबा भंडारा, अरे मंदिर बनवाओ, बंदरों की सेवा करो, बंदरों को बुलाओ, हमको कितनी कितनी दूर हमको मरना पड़ता है, नहीं उधर दिखाई पड़ा। देखो बेटा इस समय धूप में रहते हैं समझ गए, ये इसे घने जंग बागों में ये यही माँ बाबा तो नहीं ना है, यही माँ तो नहीं यार भैया, अने ये काम न करी तुमका हम बच्चा 10 रुपया दे देवे, तई थोड़ी मेहनत करो वह बाग में तई देख ही आओ, दौड़ के जाओ दौड़ के आओ, हम ये बैठे हैं। और नहीं ये सुनो रेवड़ी कहाँ, रेवड़ी के जंगल में तो बदाग मिल जाते हैं ये। क्या भैया रेवड़ी कहाँ, रेवड़ी कहाँ, रेवड़ी बगले में है, तो रेवड़ी में तो चलो रेवड़ी ही चला जाए। चलिए भैया, अरे अब तुमका बच्चा हम 10 रुपया देबे, थोड़ी मेहनत कर दो बेटा। तो हाँ 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 ऐसा मिलेगा वो जगह, पूछोगे ना जहाँ हनुमान जी की मंदिर है
तो बताएंगे इसी जगह ही उधर ही रहते हैं बंदर तमाम, हमारे गांव में रोज आते रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, पता चले उधर रहा थी अब, और नहीं तो जब इनके साइकिल चला लेते थोड़ी देर और इनका हम पीछे बैठाए हैं थोड़ा देर बाद, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है तो ठीक है बच्चा चलो यही रेवड़ी के अगल बगल ढूंढ लीन जाए। रेवड़ी के जंगल में तो, लेकिन रेवड़ी जाए में एक नाला पड़ा था, उसमें ये स्कूटर पार हुई कि ना हुई? हो जाए पुल बना पुल। अरे बाबा हम उठा दे बाओ तुम। अच्छा चलो चलो बेटा। बाबा आप कहाँ से आते हैं? रायबरेली से हम आई थे बच्चा, बेतौरा में आई थे, मझलाहा में आई थे, बंदर भोज करी थे, आज हम रतनसीपुर में आए। तब सर हर बाबा से कही थे अरे रोज बंदरन का कुछ घिया देते रहो, तो रोजाना उनका दाना मिले लगी तो मंदिर के लगे आवे लगी है। हाँ कोई उनका कुछ देर तो है नहीं, तब अब श्याम बाबा हैं वहाँ दुनिया भर के नाटक करते हैं जाके, अरे तुम अपने मंदिर में काली जी के मंदिर में बंदरों को रोज वहाँ उनको परका दो, आने भाई उनको दाना मिलेगा, आएंगे अपने आप आएंगे, रोज दाना देना शुरू कर दो, गेहूँ की व्यवस्था हम करा देंगे, काम तो करो, कोई काम नहीं की चाहत, क्या बताऊँ मैं, हर कोई चाहता कि बस दुनिया हमको जाने और पैसा हमको दे, सबको पैसे की भूख है। बताओ कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन जाओ, रास्ता कितना खराब, स्कूटर वाला ये रास्ता थोड़े, अब कोई लेंगे बड़े पहिया की गाड़ी ऑटोमेटिक हो बस, गांव के लिए वही ठीक है, ये स्कूटर तो शहरों के लिए है, झेलना पड़ रहा है हमको 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर देखो दुर्दशा। अब गांव में हुआ समझा दे कि हुआ चले जाओ बगिया में मिल गई हैं, बैठे हैं बगिया में, अरे बुरे फंस गए आज। हाँ हाँ दे इनका साइकिल दे, देखो क्या क्या मुसीबत है। अच्छा चलो ए ना लोग कहीं तो रहे कि सकरा की बगिया में देख लो, तो यही दादा क्या कहते करे तो वहाँ पे नहीं। अच्छा हाँ बगिया बताओ दादा। हाँ आइए चलो 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 है बस बनिया काम जान में जान आई। चलो बेटे ऊपर आओ, क्या क्या मुसीबत उठाना पड़ता है, चलो बैठ गए है ना, काजे चला दे हो ना, चलो ठीक है रुक जाओ रुक जाओ। हाँ चलो बैठ, क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ता है गाँव का रास्ता खल 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 का। अरे कि हम लोग आए रहे का अभी थोड़ा कच्चे उचाड़ नहीं ना, लेकिन कच्चे में बहुत कहीं कहीं खौंदा है। हाँ चलो धीमे धीमे चला जाए, साइड आ जाओ ये साइड आ जाओ, ये थोड़ा किनारे मिट्टी की वजह से वो चिकन रहा है। कोई बाबा तैयार नहीं है, हर बाबा परेशान है कि इंटरनेट पर हमका मनई देख लिए और पैसा भेज दिए, चाहे कुछ का मालूम बेवकूफों की कमी तो है नहीं, और मैं कहता हूँ पैसा उसी को भेजो, उसके बारे में उस इलाके में पहले पता लगाओ कि आदमी है कैसा। हाँ सब ठीक लो, इसी किनारे एक किनारे लगाओ का इधर से मैंने आवाज जात है ना इधर। तुम यही जगह ठहरो, हम ये दो लोग आते हैं। हाँ 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 ठीक आज ना तुम।
ठीक 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 बस करो बस। लेकिन बेटा नंगे पैर हो? नहीं दिक्कत कौन नहीं। क्या हो बच्चा? तुम अपन चप्पल इनका दे दो, नहीं और हमार चप्पल तुम ले लो, जाओ आराम से चले जाओ, यहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बच्चा मिल जाए बस आ जाओ भाई, झोला लेके चल के खिला दीन जाए। हाँ जान में जान आवे दे। हाँ देखो क्या क्या मुसीबत का, कोई अड्डा नहीं, कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं जानता है, सौ में सौ प्रतिशत लोगों के दिमाग में है कि हनुमान जी मंदिर भंडारा और बाबा, ना बाबा कोई उतावला होता है ना बाबा कोई नहीं कहता कि बंदर खिलाओ। जो हमसे सीखे समझे हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस उनको लोग जान जाए और लोग पैसा देने लगे, काम खत्म, उनका उल्लू सीधा हो जाए, इन्हीं बातों से हमको चिड़ पैदा हो जाती है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं, जीवन बीत जाता है, हाय पैसा करके मर जाते हैं वो। यहाँ हाय पैसा नहीं है, यहाँ नहीं मना करते हैं, नहीं साहब पैसा मत भेजो, ज़रूरत है तब भेजो हमको। अच्छा मंदिर जाओ, यहाँ गए वहाँ भंडारी भंडारा फालतू में, सब जगह जाना भी नहीं चाहिए। लोग बोला अरे बुलाओ तो यार, काम करो, बंदर खिलाओ कायदे से बस। और दो लड़के मिल गए हैं बेचारे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अपना हर्जा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उबल खलबल 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 खलबल, ये गाड़ी एक स्कूटर के लिए सड़क है ये। हर इलाके में ग्राम प्रधानों को चाहिए कि रास्ता बढ़िया रखो, सब जगह रास्ता बढ़िया रखो, तुम कहो विकास करो, चूल्हे भाव में जाए विकास। करोड़ों रुपए रोज का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का देश में, खराब सड़क के कारण एक्सीडेंट अलग होता है, गाड़ी के रेड़ अलग मरती है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, तेल बर्बाद होता है। देखो बेचारे ढूंढने गए हैं, जब जाड़े के दिन में धूप वगैरह जहाँ होता है वहीं मिलते हैं ये, इनको ढूंढना पड़ता है, ये बड़ी इनमें दिक्कत है, कहाँ कहाँ बेचारे गए हैं। देखो वो छोटे बालक ने कहा नहीं नहीं बाबा कहना तो हम चले जाओ, हम कहा ना, कितने सरल कितने अच्छे स्वभाव के होते हैं, चले रखे उनका इंतजार कर रहे हैं, देखे रहो हमारी परेशानी, बैठे हैं यहाँ पर बाबा जी खरंजा, और खरंजा का टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, अरे खरंजा लगा उसी को थोड़ा डामरीकरण कर दो, भर जाए गड्ढे गुड्ढा, या सीमेंटे घोल के पिला दो, मोरंग सीमेंट से पिला दो, एकदम चिकना हो जाए, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आवे। अब सुनेंगे देखेंगे, लेकिन ना कोई नहीं बोलने वाला, बस वही भंडारा, ओ हमने भंडारा किया, मैंने भंडारा किया, वही भंडारा, हनुमान जी धूप में बैठे हैं, हैं और बंदर से मतलब नहीं। अब उनसे पूछा जाए तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फोटो में खाना छुआ दे और खुद खा जाए तो बर्दाश्त करोगे? तो आज हनुमान जी को अच्छा लग रहा है, अरे यहाँ कि कितने बाबा लोगों से मैंने कहा कि जब बाबा बने हो भंडारा करते हो तो हनुमान जी तो खाते नहीं, यानी हम ही लोग खाते हैं ना, तो क्या बंदर, फिर आखिर बंदर कौन है? बंदर तो साकार है, हनुमान जी का प्रारूप है, तो बंदर को तो खाना मिलना चाहिए, तब अब इसीलिए हम भंडारा वंडारा कहीं खाते नहीं, हमको बुलाए वही पांडे जी रतन सिंहपुर में, तो आए वहाँ देखा वखा, हमने कहा चलो, एक लड़का मिला तब से लिए स्कूटर, एक छोटी जगहों में दिक्कत होती है ना, छोटे पहिया की गाड़ी मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिले, अब लड़के ढूंढने गए हैं, मिलेगा मिलेगा, और नहीं तो फिर जाएंगे मझलहा वहीं देंगे जा करके, मंजिला है, चलो मंजिला बंदर है ना, वहाँ तो हर हालत में मिल जाते हैं।
आपका कौन सा गांव है? अरे हमारा उस्तमपुर आंसू दीक्षित का जाना तो कि नहीं? हाँ हाँ, तो हमें चचेरे भाई तो हैं। अच्छा हाँ, वो डिग्री कॉलेज में जाऊँ रहा। हाँ 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 हाँ, चचेरे भाई भी हैं। अच्छा तो यहाँ यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे हम असल में LIC वाला बीमा करी। अच्छा अच्छा, तो हमारे यहाँ हर जगह जाना। वो तो हम आपका देखें तो हम उतनी समय उधर आप जाते रहो। हाँ हाँ, तो हम कहें पता नहीं आप कहाँ चले जा रहे हो। अच्छा अच्छा, एक लड़का को बैठा है। अच्छा, तो हम फिर इधर से लौट के आए तो देखे नहीं बैठे, तो हम कहें मुलाकात। अच्छा अच्छा, मझिलहा में शायद बंदर हैं तो। हाँ, मझिलहा के बगल में मुंशी के पुरवा है, बगले में हुआ मिल जात है, बेतौरा में मिल जात है। अरे वही सौरभ यार, ये बताओ ये तुम्हें ये सकरा में ये ठही जो है तिवारी पुरवा वाली रास्ता ठही बंदर अंदर तो है नहीं ना कि है? और या मझिलहा में नहीं बंदर है मंझिला हा मना है? रेवरी कहती? हाँ रेवरी कहती तो बदा की मिल जाते यार मंझिला हा, हमका लगे तो बंदर है का। हाँ वो लोग सब घूमा कर रहे थे। हाँ, तो या बताओ रेवरी कितना हुई यहाँ से? रेवरी या इधर से है आपको जो रास्ता उधर जाते रहो ना। हाँ हाँ, वही से आप सीधा चले हो तो 2-3 किलोमीटर बाद रेवरी। 2-3 किलोमीटर? हाँ 2 किलोमीटर। अरे हाँ, का नाम है यही यही नईवा का जो पुलौना है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक। रेवरी हम कहाँ कहाँ रहे ललकन से कि ललकन से कहाँ? तो भाई तू साथे है कहाँ आपके? नहीं वो यही गाँव के हैं रतनसिंहपुर के। हाँ तो बेचारा मिला तो कहाँ गए तो? अब गए हैं अंदर वही बगिया में ढूंढे ढाड़े, साइकिल बेचारे खड़ा है यहाँ ना मिली है ना। रेवरी में है, मझलहा में है, याद बता के मिल जात। तो हम ये चेक देखे थे कि रेवरी में अगर मिले तो मिले और नहीं सीधे निकल जाई मझलहा। नंबर हमका बताओ आप। जी जी जी, नंबर हमारा जो है 94-94-73-78 37-24 37-24। हाँ, अगर हम उधर जा रहे हैं मझिलहा। जी जी, अगर उधर हमका बंदर देखो पूछब तो हम आपको फोन कर। अच्छी बात। जी 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 बिल्कुल, बस मझिलहा के अगल बगल में मुंशी के पुरवा है, यादवन के गांव हुआ बाबू के पुरवा, मुंशी के पुरवा में और बदा के मिल जाते, वो तो हमारा जाना सुना है। लेकिन अब इधर आए रतनसिंहपुर आए कार्यक्रम में, हम कहा चलो मिल जाते। ठीक है ठीक, हम उधर पहुंच रहे हैं ना। अच्छी बात, तब हम आपको फोन कर। बिल्कुल बिल्कुल, जय जय। बियाबान जंगल में ये रुस्तमपुर के दीक्षित परिवार के लोग हैं, सब हमें जानते हैं। इनके भाई जो हैं कोई पत्रकार हैं, कोई LIC में है, बड़ा परिवार है। शहर के अंदर मकान भी हैं लोगों का। इतनी देर बेचारे रुके है ना, समय दिया, मोबाइल नंबर दिया। बड़ी गाड़ी के यहाँ खड़बड़ खड़बड़ में बड़ी गाड़ी कामयाब है। अब यही कोशिश करेंगे कि कोई बड़ी गाड़ी जो है बड़े पहिए की गाड़ी हो और गियर वाला ना हो, गियर वाले में हमको दिक्कत आती है। चलें रखें मोबाइल को बंद करें। कहाँ बेचारे लड़के कहाँ कहाँ पूछते हुए चले गए। हमने कहा था रेवरी के जंगल में चलो। गांव बताओ करामत अली के पुरवा, बेकूफ सब समझे ना, न बूझना, बस बता देंगे, फंसा देंगे आपको, जाओ मरो। अरे कुछ है जैसे मझिलहा है, मुंशी का पुरवा है, बेतौरा है, बेतौरा में भी मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं कभी कभी।
अभी रतनसीपुर में जहाँ बहन कहने का, अरे काल रहे तो उनका रोज परकाओ को देव एक मुट्ठी दाना डालो परका लो उनको। एक आदमी धीरे से कहे हियाँ यहाँ तो सब नरक हो जाई, अब बोलो कहाँ जाए बेचारे, यही सब जंगली पेड़ के पट्टी टीखा में अपना बेचारे गुजर करते हैं, जहाँ पानी होता है वहीं बंदर मिलते हैं। लड़के पैदल निकल गए 1-8 किलोमीटर हमको लगता है, यहाँ बैठे हुए हैं क्या बताएं, बेचारा खेत में पानी लगाया रहा लड़का शुभम यादव, बेचारे की साइकिल खड़ी है। चलो मोबाइल को बंद करें, जय श्री राम।